तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पिडू तू? हाँ सॉरी, तुमसे एक जरूरी काम है। पिडू सॉरी, अभी मैं कोई काम नहीं कर सकता। अरे सिर्फ दो मिनट का ही काम है। दो मिनट भी नहीं है पिडू, सॉरी। हमारे सॉरी, अभी कंपाउंड में थोड़ी देर पहले तुम ही बोल रहे थे ना कि दोस्तों के लिए हमेशा हाजिर हूँ, कभी भी याद करना, पर अभी तुम्हारे पास दो मिनट नहीं है। तू समझ पिडू, मैं अभी जरूरी पर्सनल काम में हूँ, बाद में जरूर तुझसे बात करूंगा। सॉरी पिडू, सॉरी, ओके बाय बाय बाय। रोशन पर नजब गजब चेक, भेड़े भाई को जरूरी काम के लिए आए थे और उनको मना कर दिया। चौकस कोई सीरियस बात बोलवा मांगे छे। सुनिए, अब कोई डिस्टर्ब ना करे तो चंगा है। नहीं रे, नहीं रोशन, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अबे बोल, बात सुचे। सुनिए, मैंने तुझे जो बात कहनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, कैसे कहूं, हिम्मत ही नहीं हो रही है। सू बोले छे रोशन, तेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तेरी। हाँ सुनिए, इसीलिए तो मैं तुम लोगों को गुरुद्वारा साहब ले गया था, ताकि मुझे बोलने की हिम्मत मिले और तुझे सुनने की हिम्मत मिले। बस करनी रोशन, अब मुझे बहुत बहुत टेंशन हो रहा है, मेरे दिल में जोर जोर से पटाखे फूट रहे हैं। बोलनी बाबा, सु बात सुचे। रोशन डार्लिंग, मैं जो तुझे बात कहने वाला हूँ वो बहुत सेंसिटिव और नाजुक है, और ये बात हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। रोशन, ऐसे रोलर कोस्टर जैसे बात को गोल 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 नहीं घुमा, जल्दी जल्दी बोलना, बात सुचे। सुनिए, ध्यान से सुन। हाँ। तू सुन रही है ना? हाँ बाबा सुन रही हूँ, दोनों कान खोल के सुन रही हूँ। बताता हूँ सुनिए। बोल ली रोशन, बात सुचे। देख सोनिया, मैं जो तुझे बात बोलने वाला हूँ वो बात सुन के तुझे खुशी भी होगी, दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। हा? बात सुन के मुझे खुशी होगी, दुख होगा और गुस्सा भी आएगा, एक ही बात पे तीनों रिएक्शन कैसे आ सकते हैं रोशन? मुझे जल्दी जल्दी बताना, बात सुचे। सोनिया, मैं तुझे ये बात बताऊंगा पर अभी नहीं, रात को 8:30 बजे बताऊंगा। रात को 8:30 बजे? हाँ सोनिए। ए रोशन, तू गेलो ठेगा छे सू, ऐसी बात सुन के जिसे मुझे खुशी होएगी, दुख होएगा और गुस्सा भी आएगा, ये तो बात नहीं, जिक्सो पजल छे, और वो पजल तो रात को सुलझाएगा, वो भी 8:30 बजे। रोशन, मैं रात तक वेट कैसे करूंगी? वो बात तू मुझे अभी के अभी बता दे। सोनिए, सबर रख, सबर का फल मीठा ही होता है। रोशन, तुझे पता है ना मैं सबर नहीं कर सकती, इस तरीके से तुम बात अधूरी छोड़ के मुझे क्यूरियस करके जाएगा, तो मैं सबर कैसे रखूं? नहीं रे, नहीं, मैं रात तक वेट नहीं कर सकती, जो भी बात है अभी के अभी बता। सॉरी सोनिए, मैं तुझे बताऊंगा तो रात को 8:30 बजे ही बताऊंगा। ठीक है, मत बता, कट्टी, मैं भी तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगी। अरे सुनिए, अरे मेरी गाल तो सुन। अरे सुनिए, तू तो रूठ गई यार। हाँ तो रूठूंगी ना। ठीक है सोनिया, जैसे तेरी मर्जी। रोशन, मैं तो रूठ गई हूँ, तू क्यों मुझे मनाता पन्नी? ओए सोनिया, और रूठ के तू कितनी ज्यादा हसीन लग रही है, और मेरा तो दिल यही कर रहा है कि आज तू यूं ही रूठी रहे और ऐसे ही इतनी ज्यादा हसीन लगती रहे। रोशन, खर खरा तारो दिमाग चस्की गयो छे। ओए सोनिया, ओ मेरा दिमाग चस्का नहीं है, वो एकदम फिट है यार, पर बात तो मैं तेरे को रात को 8:30 बजे ही बताऊंगा। चल सोनिया, मैं चलता हूँ, रात को मिलता हूँ। रोशन, लगता है रोशन ऐसे नहीं मानेगा, मुझे उससे प्यार से मनाना पड़ेगा। रोशन, ओ सोनिया, की गल है, बड़ी रोमांटिक हो रही है यार। रोशन, तू मुझे प्यार करता है ना? ओए सोनिया, वो जैसे गड्डी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती ना, वैसे तेरा ये रोशन सिंह सोडी अपनी रोशन को सोडी के बगैर नहीं चल सकता। तो साबित करके दिखा। और सोनिया, तू कहे तो दिल्ली के कुतुब मीनार से थल्ले कूद जाऊं, और तू कहे तो चांद सितारे तोड़ के ले आऊं, और हुक्म कर की करना तेरे वास्ते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, जो बात तू मुझे रात को बताने वाला है ना वो अभी बता दे बस। ओ सॉरी सोनिया, वो जो बात है ना
वो तो मैं तुझे रात को 8:30 बजे ही बताऊंगा, ना 8:30 बजे से 1 सेकंड पहले, ना 8:30 बजे के 1 सेकंड बाद। रोशन प्लीज, मैं तुझे रिक्वेस्ट करती हूँ, तू बात अभी के अभी बता, नहीं तो। सुनिए, ऐसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, पहली बार पता चला यार। रोशन प्लीज, मैं तुझे रिक्वेस्ट करती हूँ, रोशन प्लीज, वो बात अभी बताओ ना। सुनिए, मैं भी तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुझे रात को 8:30 बजे ही बताऊंगा। ठीक है सुनिए, रात को मिलते हैं। रोशन, मैं तुझे किधर भी नहीं जाने दूंगी। अरे सुनिए, मेरे को जाना है यार, जरूरी है तो। अरे सुनिए, अरे अरे, तू भी बड़ी जिद्दी है यार। तू कम जिद्दी? ले सुनिए, अल्लाह मैं इधर बैठ गया, अब तू इधर आके बैठ, मैं तुझे बात बताता हूँ। पक्का बताएगा? पक्का बताऊंगा सुनिए। सुनिए, ये बात जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, जो मैंने तुझे पहले भी कहा कि इस बात से तुझे खुशी भी होगी, दुख भी होगा, और सुनिए गुस्सा भी आएगा, और ये बात मैं तेरे को 8:30 बजे ही बताऊंगा। तू मेरे पीछे पीछे नीचे भी आ गई। रोशन, जो मुझे बात नहीं बताएगा तो तेरे पीछे पीछे मैं गैरेज तक आऊंगी। ओ सुनिए, मैं भी तेरा, गैरेज भी तेरा, तू तो गैरेज की मालकिन ना यार, जब चाहे तब आ सकती है, पर आ जाएगी तो तेरा टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं भी गैराज नहीं, मैं किसी जरूरी काम से कहीं और जा रहा हूँ। रोशन, मैं तुझे किधर भी नहीं जाने दूंगी, इधर ही पकड़ के रखो। तू यार बात क्या कर रही है, मेरे को जरूरी कुछ है, तू समझ नहीं है यार, कितने प्यार से मैंने तेरे को समझाया, पर तू हमारा प्यार क्या? रोशन, जो बहुत मोटू रमखान नहीं जैसे। अरे सोनिया, भाई ने कोई बोले रोक के रोक यार। अरे क्यों यार, क्यों यार सोनिया, पकड़ लिया, अबे बोल। सोनिया तू चीटिंग है यार। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है सोनिया, पर मेरा हाथ तो छोड़ना यार। एक बार जब रोशन ने रोशन का हाथ पकड़ लिया तो वो जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। ओ तेरी, सुनिए क्या डायलॉग बोला तूने? आई डायलॉग नटी सच्ची मुच्ची बोलू चुकेला। पिल्ले तू मैंने बोल बात सुचे। सोनिया पर पहले मेरा हाथ तो छोड़ना यार। मैं हाथ छोड़ूंगी तो पक्का बताएगा ना? सुनिए, तूने कितने अच्छे ढंग से कितना बढ़िया बोला, तो मेरा तो बनता ना तुझे बताना बात, मेरा हाथ तो छोड़ प्लीज। बोल। ये पे हूँ बोलता हूँ। आई सु। अरे सु करे छे मोनाटी बोलनी बाबा। ओए सुनिए, गोगी पुत्र को भी मॉल में भेज दिया है। तू और मैं कल्ले कल्ले लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना? लॉन्ग ड्राइव? हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, और फिर मैं तुझे सारी बात बता दूंगा। ठीक है, जिधर जाना है जाते, पर तू उधर बात बता देना। हाँ मेरा सोनिए। ठीक है चल चल, जा जा मुझे, चल 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 चल। आजा आजा। अरे सुनिए, तू मेरे पीछे दौड़ दौड़ के आई, तू दरवाजा बंद करके आई थी या ऐसे ही आ गई थी? वो खुदा है, तू बानू बंद कर बैठू, भूल ही गई। तू बैठ, मैं बंद करके आता। नहीं तू बैठ नहीं रोशन, मैं अभी करके आती। हाँ ओके सुनिए। बोला तो बताएगा लेकिन। रोशन भाभी, अरे क्या बात है? बोलू छोटी दी। रोशन भाभी क्या हुआ? रोशन भाभी, अरे ये रोशन भाभी को क्या हो गया? लगता है पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी तकरार हुई होगी। रोशन टू रोशन। सब्जी ले लो सब्जी। अंजलि भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, गोकुल धाम की महिला मंडल आ जाइए। एकदम चांद। बहुत गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग बहनो। गुड मॉर्निंग। अरे भाई मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि गोकुल धाम की महिला मंडल के साथ सोसाइटी के पुरुष मंडल के इस कुंवारे को भी आवाज दे दिया करो, मैं भी रोज सब्जी खरीदता हूँ तुमसे। पोपट भाई आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, आज सब्जियाँ बड़ी फ्रेश और ताजी लग रही है। टमाटर कैसे दिए? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो? सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए? हाँ हाँ, आप ही ने तो अपने तूफान एक्सप्रेस में लिखा था ना कि सब्जियाँ महंगी हो गई है। तुम तूफान एक्सप्रेस पढ़ती हो? नहीं, अरे वो वड़ा पाव वाले ने ना उसमें पैक करके दिया था तो ऐसे खाते खाते नजर पड़ गई। ठीक है ठीक है, देखो मार्केट में टमाटर 25 रुपए किलो के भाव से मिलते हैं, मैं तुम्हें 25 रुपए ही दूंगा। क्या पोपट भाई, ये महिला मंडलों के भाव तोल नहीं करते और अब पुरुषों के कितना चिक चिक करते है। देव करो आपकी ना जल्दी से जल्दी शादी हो जाए तो आपकी पत्नी आके ये सब्जी खरीदे। थैंक यू, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, लेकिन शादी के बाद मेरी पत्नी आकर भी इसी तरह भावताल करेगी। मैं तुम्हें 25 रुपए से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूँ। आपको 30 में लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब भी अगर बाजू वाली सोसाइटी में जाऊंगी ना तो इससे मेरी पूरी टमाटर की टोकरी खाली हो जाएगी। वैसे भी ये कोई आम टमाटर नहीं है, ये बहुत लकी टमाटर है और इसकी ना बहुत डिमांड है मेरे कस्टमर में। टमाटर लकी? मग सुबह सुबह मजाक मत करो, मेरे पास बहुत काम है भाई। ये टमाटर खाने से वो बाजू वाली सोसाइटी का मुन्ना है ना उसको नौकरी लग गई, और वो चंद्रमणि सोसाइटी की सुधा उसका बेटा ना 10वीं में 2 बार फेल हुआ था, लेकिन मेरे टमाटर खाने से ना वो पास हो गया। और तो और मेरी चाली में जो छबी ली है ना, ये टमाटर खाने से उसकी फटक से शादी हो गई। टमाटर खाने से शादी हो गई? सर सच में? आई शपथ, वो छबी लिए ना वो कब से कुंवारी बैठी थी, उसकी शादी ही नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे टमाटर खाए और ऐसे चट मंगनी पट गया। मैं ये सारे टमाटर खरीद रहा हूँ, कितने किलो है बताओ, और मैं तुम्हें 30 रुपए ही दूंगा भाव। पर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम्हें पता था कि छबीली कुंवारी है तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं चलाई उससे? अरे क्या पोपट भाई, मुझे पता है लेकिन ना छबीली आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों, क्या कमी है मुझ में? मैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर, वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, मैं अब शिक्षित हूँ, मेरे पास नौकरी है, दिखने में अच्छा हूँ, मुझसे कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्यों अंजलि भाभी? हाँ हाँ, हमारे पोपट भाई से तो कोई भी लड़की कभी भी शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी। हाँ हाँ भाभी, लड़की होता तो कर लेती, लेकिन छबीली तो बकरी है ना। क्या? ये भगवान, ये तेरे दरबार में कैसा अन्याय हो रहा है, यहाँ भेड़ बकरियों की शादी हो रही है लेकिन मुझ जैसा काबिल शादी लायक युवक ऐसे ही कुंवारा घूम रहा है, भटक रहा है। कब वो दिन आएगा जब मेरी पत्नी भी मेरी बहनों के साथ सुबह सुबह मेरी फेवरेट सब्जी खरीद रही होगी। पोपट भाऊजी, आपकी शादी नक्की हो जाएगी। हाँ पोपट भाई, प्लीज दिल छोटा मत कीजिए। कम ऑन पोपट लाल भाई, अब तो आपके साथ ये लकी टमाटर भी है, आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू बहनो, अगर इसी तरह आप मुझे हौसला देती रहेगी तो एक न एक दिन इस छबीले को भी अपनी छबीली मिल जाएगी। और मेरी शादी होने से आप लोगों का भी फायदा है। हमें कैसा फायदा? अरे भाई, आपके महिला मंडल में एक सदस्य और बढ़ जाएगा, महिला मंडल का संगठन और मजबूत हो जाएगा। ये बात आपने पोपट भाई एकदम अच्छी कही। और हमारे विशेष आपके साथ हमेशा है पोपट भाई। लाओ भाई लाओ, ये सारे टमाटर मुझे दे दो भाई। कितने किलो है? 10 किलो। 10 किलो, एक मिनट, 10 किलो का 30 रुपए के हिसाब से होता है 300 रुपया, 200, 300। ये भाई शायद ये लाल टमाटर अपना लाल रंग दिखाए और कोई लाल जोड़े वाली लक्ष्मी मेरे जीवन में आ जाए। चलता हूँ, गुड डे बहनो, ये टोकरी में दे दूंगा वापस, चिंता मत करना। ओ चले चले, एंजॉय। कमाल के पोपट भाई, चिंता मत करो, टमाटर गिर ना जाए।
बाप रे, पोपट भाई शादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। महिला मंडल की शक्ति तो पोपटलाल की भाई को आने के बाद बढ़ेगी तब बढ़ेगी, लेकिन आज ये शक्ति मेरे को थोड़ी कम लग रही है। रोशन भाभी नहीं दिख रही है। अरे हाँ, रोशन भाभी क्यों नहीं आई? उनको तो सब्जी लेनी थी। कल रात मुझे बोल रहे थे कि उनको 1 किलो भिंडी लेनी है सोडी भाई के लिए। मस्त बीके से करारी भिंडी बनाने वाली है आज। मैं भी फोन करके देखती हूँ। रोशन भाभी फोन नहीं उठा रही है। ओ, मुझे लगता है बिजी होंगी। कई हरकत नहीं, मैं उनके लिए भिंडी लेकर जाती हूँ। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। अब बोले ना अंजलि भाभी। रोशन भाभी सब्जी लेने नहीं आई, उसके पीछे जरूर कोई टेंशन वाली बात है। मतलब टेंशन वाली क्या बात है? अभी अभी सब्जी वाली आने से पहले मैंने सोड़ी भाई और रोशन भाभी के बीच में असामान्य सी बात होते हुए देखी। कौन सी असामान्य बात? एक्चुअली हुआ यूं, मारा सर की चीटिंग की नहीं, रोशन झुट्टू रोशन टोबी जा। तो अंजलि भाभी आपने रोशन भाभी से पूछा नहीं कि बात क्या है? मैंने उनसे पूछा लेकिन वो कुछ बताए बिना ही चली गई। अच्छा, पहले जब मैंने देखा तो लगा कि पति पत्नी के बीच में कोई मीठी नोकझोंक हो रही होगी, लेकिन अब जब बबीता जी का फोन भी नहीं उठा रही है, वो सब्जी लेने भी नीचे नहीं आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि रोशन भाभी जरूर किसी बात की वजह से टेंशन में है। आई थिंक हमें फिर जाके रोशन भाभी से बात करनी चाहिए। हाँ बरोबर है, भिंडी भी दे आते हैं और पूछ भी लेते हैं कि बात क्या है। हाँ, फटाफट सब्जी की थैली घर पर रखकर रोशन भाभी के घर में मिलते हैं और जानते हैं कि बात क्या है। गुड आइडिया, गुड आइडिया। सी यू। ये बेटा शुभ बात है कि मुझे गुस्सा आएगा, खुशी होगी और दुख भी होगा। मैं रोशन पर शू बोलवा मांगे छे, कोई समझ में नहीं आउट। मैंने आग लगा रही ने नासी गयो और बोलता है कि ट्रैफिक को बताएगा। ओ कटाई जी, ये वो कोई करे छे? रोशन भाभी, रोशन भाभी। अरे आप लोग? हाँ, वो आपकी भिंडी लेकर आई हूँ। आप सब्जी लेने आई नहीं ना आज, इसलिए। अरे बेटा, सब्जी लेना तो मैं भूल ही गई, थैंक यू। हाँ, क्या हुआ रोशन भाभी, आप कुछ टेंशन में लग रही है? जब मैं घर से बाहर आई तब मैंने देखा था कि आप सोड़ी भाई को रोक रही थी और सोड़ी भाई आपको अनसुना करके चले गए थे, और जब मैंने आपको रोकने की कोशिश की तो आपने मुझे भी अनसुना कर दिया था और आप चले गए थे। वेरी सॉरी रोशन भाभी, आपका पर्सनल मैटर है, पर क्या है ना, अंजलि भाभी ने हमें नीचे कहा कि आप थोड़ी टेंशन में लग रहे हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ गए आपसे बात करने के लिए। आई मीन, क्या पता शायद हम आपको कुछ मदद कर पाए, दैट्स इट। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, रोशन भाभी बताइए ना क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं अंजलि भाभी, ये रोशन है ना आग लगा के भाग गया है। आग? कहाँ लगाई आग? दिल में, रोशन मेरे दिल में आग लगा के भाग गया है। रोशन भाभी, सुबह तो आप और सोड़ी भाई गुरुद्वारा गए थे, वहां से लौटे थे, खुश थे, सब कुछ ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया? फिर उसने ऐसा फटाकड़ा फोड़ा कि मेरी खुशियों की धज्जियां उड़ गई। रोशन भाभी आप क्या बोल रही है, नक्की सोड़ी भाई ने क्या किया, साफ साफ बताइए ना प्लीज। रोशन ने मुझसे कहा कि उसको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, कोगी को भी उसने मॉल भेज दिया, और यही नहीं, भिड़े भाई को अर्जेंट काम के लिए आए थे उनको भी उसने दरवाजे से ही लौटा दिया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ रोशन भाभी कि सोड़ी भाई आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। आज तो वरी, वो बोला कि कई दिनों से वो मुझसे कोई बात बताना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, और आज हिम्मत करके वो बात बता रहा हूँ। क्या बात थी? टेस्ट वो चक्रम ने बताई नहीं। हे भगवान, इतना सब कुछ बताया पर वो बात नहीं बताई, अजीब बात है। पर रोशन भाभी, वो बात आपको क्यों नहीं बताई? सुमालम, उसने बोला कि वो रात को बताएगा। रात को? हाँ, और वो भी 8:30 बजे। 8:30 बजे क्यों? हाँ एग्जैक्टली, मतलब ऐसी क्या बात है जो रात को 8:30 बजे बताएंगे वो? वो बात क्या होगी सोचते सोचते मेरा दिमाग का लस्सी हो गया। खुशी,
दुख और गुस्सा, एक ही बात में मानव मन के तीन भाव कैसे संभव है? एक ही बात में भाई सोढ़ी की ऐसी कौन सी बात है जिसे सुन के ये तीनों भाव आएंगे? खुशी भी होगी, दुख भी होगा, गुस्सा भी आएगा। भाई ये सुन के मैं खुद आश्चर्य में हूँ, अचरज में हूँ, असमंजस में हूँ, ऐसी कौन सी बात है? और सोढ़ी ने बात बताई है लेकिन आधी अधूरी, और ये आधी अधूरी बात सुन के रोशन भाभी की स्थिति भी इस वक्त बिल्कुल ऐसी है जैसे बीच समंदर में कोई कश्ती हो जो न बीच समंदर से निकल सकती है न किनारे पे आ सकती है, बस अपने विचारों के भंवर में डूबी रहती है। और अब इस किश्ती में रोशन भाभी के साथ गोकुलधाम का महिला मंडल भी सवार हो गया, और जहां एक से ज्यादा महिलाएं एकत्रित हो जाएं, क्षमा कीजिएगा, तब बात कहीं से कहीं पहुंच सकती है। अब देखना यह है क्या गोकुलधाम का महिला मंडल इस किश्ती को किनारे पे ले जाने में कामयाब होगा, क्योंकि रोशन भाभी तो सोढ़ी से बात उगलवाने में अभी तक नाकामयाब साबित हुई है। अब देखना यह क्या महिला मंडल ये काम कर पाता है, क्या ये कश्ती किनारे पे लगती है। भाई ये कश्ती किनारे पे लगे या ना लगे ये तो इस वक्त मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके घरों में हंसी का दरिया जरूर आएगा जिसमें आप डूबते रहिए और ठाके लगाते रहिए, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।